हेलो गाइज़ वेलकम माय चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ़ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कि फार्मेसी इंडस्ट्री में कौन कौन सी टाइप की पैकेजिंग यूज़ होती है और किस टाइप के कंटेनर होते हैं उसके क्लोज़र कैसे होते हैं इसके बारे में समझेंगे ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या होती है पैकेजिंग सबसे सब पहले देखते हैं डिफ़ाइन द कंटेनर कंटेनर क्या होता है नेम द मटेरियल यूज़ फॉर द कंटेनर कौन कौन से मटेरियल है जो कंटेनर बनाने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं ठीक है तो कंटेनर क्या होता है कंटेनर एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पर मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं स्टोर करते हैं होल्ड करके रखते हैं ड्रग एंड मे और मे नॉट कॉन्टेक्ट विद द ड्रग ठीक है कहने का मतलब क्या हुआ जो आपका कंटेनर है उसमें क्या होती है कई मरतबा जो दवा है जो मेडिसिन है जो ड्रग्स है वो कई मरतबा कॉन्टेक्ट पर आती है और कई मरतबा क्या होती है नहीं आती है ठीक है इसमें वही लिखा हुआ है इट इज़ द डिवाइस दैट होल्ड होल्ड का मतलब रखना दैट होल्ड द ड्रग एंड मे और मे नॉट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती किसके कॉन्टेक्ट का मतलब टच में विद ड्रग्स ठीक है ना उसके साथ में हो सकती है कि नहीं हो सकती अब कौन कौन से मटेरियल होते हैं कंटेनर बनाने के लिए उसमें ग्लास होता है प्लास्टिक भी होता है मेटल्स भी होता है पेपर भी होता है बोर्ड भी होता है एट्सेट्रा होता है अब देखा ही होगा कि बहुत सारी बोतल आती हैं कई प्लास्टिक की होती हैं कई कांच की होती हैं कई इसमें मेटल्स की भी होती हैं तो इसके बाद नेक्स्ट uh, है डिफाइन क्लोज़र क्लोज़र क्या होता है नेम द मटेरियल यूज़ फॉर द क्लोज़र कौन कौन से क्लोज़र होते हैं और उसमें कितने टाइप के मटेरियल यूज़ होते हैं क्लोज़र बनाने के लिए ठीक है तो लिखा है क्लोज़र इट इज़ द डिवाइस बाई मीन ऑफ विच कंटेनर कैन बी क्लोज एंड ओपन देखो कंटेनर का मतलब क्या हो गया आपकी शीशी या बॉटल ठीक है नीचे वाला जिसमें मेन ड्रग्स भरी जानी है और क्लोजर का मतलब जो ऊपर का उसका ढक्कन है अब वो रबड़ का भी होता है और मेटल्स का भी होता है कई मरतबा वो कांच के भी होते हैं ठीक है तो वो डिफाइन करता है अलग अलग हिसाब से भी हो सकता है ठीक उसमें देखो मटेरियल कौन कौन से यूज़ होता है ग्लास प्लास्टिक रबड़ मेटल या कॉक हो सकती है ठीक है अब नेक्स्ट है इसमें देखो पैकेज एंड पैकेजिंग पैकेज एंड पैकेजिंग पैकेज क्या होता है और पैकिंग किसको कहा जाता है तो पैकेज क्या होता है इसमें देखो लिखा हुआ है अ पैकेज कंसिस्ट ऑफ किससे बनी होती है पैकेज कह रहा है ए कंटेनर विच होल्ड द प्रोडक्ट जो मेन आपका जो बॉटल है जिसमें आपका प्रोडक्ट रखा हुआ होता है ठीक है इसका काम ये होता है कि उसको बॉटल को कॉन्टेक्ट में रखना और साथ ही साथ होल्ड करके रखना अपने अंदर दूसरा क्या क्लोजर विच सील द कंटेनर ऊपर इसमें ढक्कन लगा के हम लोग इसकी सील कर देते हैं बंद कर देते हैं द कार्टन आउटर कवर कार्टन किसको कहा जाता है आउटर कवर होता है उसको कार्टन कहा जाता है विच गिव द प्रोटेक्शन वो भी प्रोटेक्शन देता है कई मरतबा अगर कॉटन के अंदर बॉटल लगी रखी रहती है और बॉटल अगर गिरती है तो जल्दी से डैमेज होने से बची रहती है डायरेक्ट क्योंकि कॉन्टेक्ट में नहीं आती फिर आगे देखो उसमें लिखा हुआ है द बॉक्स इन विच मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट आर पैक्ड और कई मरतबा क्या होता है कि जो कई सारी बॉटल्स होती हैं वो एक बड़े बॉक्स के अंदर पैक देखते हैं इसमें पैकेजिंग क्या होती है तो पैकेज समझ में आ गया होगा अब देखते हैं पैकेजिंग पैकेजिंग क्या होती है एक पूरा की पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को बॉटल के अंदर फिलअप्स करके क्लोजर लगाना उसके बाद उसके ऊपर की कवर लगाना फिर उसके उसके कवर्स के साथ में पैक्ड हुए उन सारे प्रोडक्ट को एक बड़े बॉक्स के अंदर पैक करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है पैकेजिंग ठीक है अब यही चीज उसमें लिखी हुई देख लो इसको लिखा इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक साइंस है और टेक्नोलॉजी है विच माने जो कि डील विद द स्टडी ऑफ मटेरियल जो कि मटेरियल के बारे में स्टडी करता है एंड मेथड और उसके मेथड के बारे में पता करता है यूज टू पैक जो हम पैक करने का तरीका उसमें कौन सा अपनाएंगे क्योंकि हर मटेरियल की अपनी सेंसिटिविटी है किसी को कांच के अंदर रखा जाता है किसी को प्लास्टिक के अंदर रखा जाता है किसी में कई मरतबा क्या होता है ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है किसी में नॉन ट्रांसपेरेंट होती है कभी कई मरतबा क्या होता है उसमें हल्का सा आयरन कलर का भी बॉटल होता है कि डायरेक्ट इस में नहीं आना तो हर टाइप की पैकिंग होती है ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो इसके बारे में जो स्टडी करी जाती है ये सब पैकेजिंग के अंदर इसी को एक साइंस और टेक्नोलॉजी कहा गया है मेथड यूज्ड टू पैक आगे देखो इसमें द प्रोडक्ट एंड आल्सो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ मशीनरी यूज फॉर पैकेजिंग द प्रोडक्ट पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम किसी भी मटेरियल के कैसे पैक करेंगे ठीक है उसके मैथड के बारे में स्टडी करते हैं साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर यह ये सीखते हैं कि किसी भी उस हेड को करने के लिए या उस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है किस टाइप का प्रोडक्ट आपकी पैक होगी किस डिज़ाइन से पैक होगी तो उसके लिए क्या मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसके बारे में स्टडी करी जाती है तो समझ में आ गया पैकेजिंग क्या है ठीक है क्योंकि अब किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ पर दस बीस पचास या सौ प्रोडक्ट तो पैक होने नहीं होते है? नहीं हाथ से उठा के पैक कर दो वहाँ पर एक दिन में हजारों प्रोडक्ट बनते हैं दो दो हजार दद, दस दस हज़ार प्रोडक्ट बन रहा है बीस बीस हज़ार प्रोडक्ट बन रहा है तो मशीन से पैक होता है वो सब ठीक है ना तो उसकी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन तो होगी वो डिज़ाइन तो तुम्हें तभी पता चलेगी कि आपके मटेरियल का सेंसिटिविटी कैसे फिर उसी के बिहाव पे आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया जाता है उसके जो लगने वाले उसमें कवर हैं उसका क्लोज़र है कंटेनर है ठीक है तो वो सारी चीजें उसी के बिहाफ पे रखी जाती हैं ठीक अब इसमें आगे देखते हैं वाट आर द आइडियल क्वालिटी कंटेनर एक अच्छे कंटेनर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए तो इसमें लिखा हुआ है इट शुड होल्ड द प्रोडक्ट विदाउट लॉस सबसे पहली चीज तो यही है कि उसमें जो आप प्रोडक्ट भरो वो खराब नहीं हो आपका लॉस नहीं हो डैमेज नहीं हो किसी तरीके से दूसरा इट शुड प्रोडक्ट द ड्रग फ्राम एयर मॉइस्चर लाइट डस्ट एंड एक्सेट्रा वो सबसे बचाए आपका किससे एयर से मॉइस्चर से लाइट से डस्ट से कई मरतबा लाइट के कांटेक्ट में प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं कई मरतबा मॉइस्चर मिल गया उसको खराब हो जाते कई मरतबा ढक्कन खोला एयर अंदर चली गई उसकी वजह से भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो ऐसा कंटेनर बनाओ जिसमें इन तीनों चीज़ों से बच सके चारों चीज़ों से और भी कुछ चीज़ें ना जा पाए आगे लिखा है इट शुड बी न्यूट्रल कैसा होना चाहिए न्यूट्रल न्यूट्रल का मायने हो ये होता है कि, कि किसी भी प्रोडक्ट की अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होने के बावजूद वो तुम्हारी ड्रग कंपोनेंट के साथ में कोई भी थेरोपेटिक इफेक्ट को ना चेंज करे ना उसमें डैमेज करे ना ही कोई एडवर्स इफेक्ट लाए कुछ भी करने की टेंडेंसी ना हो उस कंडीशन को कहा जाएगा न्यूट्रल होना ठीक है तो कैसा होना चाहिए आपका जो कंटेनर है वो न्यूट्रल होना चाहिए वो आपकी मेडिसिन के साथ में पता चला दवा उसके साथ रखी रही उसने क्या किया उसमें एक्सट्रैक्ट अपना दे दिया या उसका कलर उसमें चला गया ठीक है ना तो दवा के साथ में यही नहीं जाना चाहिए कि डिब्बे का कलर उसमें मेडिसिन के साथ में आ गया तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ठीक आगे क्या लिखा है इट्स शुड नॉट वियर एंड टीयरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग कैसा नहीं होना चाहिए अब पता चला इसको लेके जा रहे हो कहीं से ये बहने लगा ठीक है या कहीं से निकलने लगा कुछ भी तो ऐसा तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए ना ही इसमें कहीं से लीकेज की कंडीशंस हो लेके कर धरने में कहीं पर आप लेके जा रहे हो उसको हैंडलिंग कर रहे हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए इट आगे लिखा इट शुड पोर द ड्रग प्रोपरली इसमें ड्रग जो है आपका प्रॉपर जैसे जिस मैनर पे आप रखे हो उसी कंडीशन में वो निकले जब आपके पेशेंट तक वो पहुंचे इंडस्ट्री से बनने के बाद वो पता चला कि जितने दिन के बाद जितना लंबा ट्रैवल करके वो पता चला कहाँ बनी थी हिमाचल में बनी वो बिक कहाँ रही है आके कन्याकुमारी में बिक रही है या दूसरे स्टेट्स में जाके बिक रही है कहीं का टेम्परेचर कैसा कुछ भी हो तो वहाँ पर आप क्लोजर आपका ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके के और ख़राब ना हो जिस कंडीशन में रखा गया तो वह वैसे ही निकले उसमें ज़्यादा इफेक्ट ना जाए आगे क्या लिखा वो इसमें देखो इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हमने बताया टेम्परेचर और प्रेशर का इसमें कोई भी इफेक्ट ना पड़ना चाहिए इट शुड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन उसको पता चला उठा के कई जगह ट्रांसपोर्ट में पटका गया बड़े कार्टन के अंदर भरी हुई है बड़े बड़े पैकेज के अंदर वो तो वो उस दौरान ना तो उसको लीकेज होना चाहिए ना ही उसको आ, क्या नाम है ब्रेक होना चाहिए मतलब टूटे फूटे भी नहीं आगे क्या लिखा है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक और जो आपका कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए नॉन टॉक्सिक नेचर का होना चाहिए पता चले कि उसने उसमें प्रोडक्ट रखा गया उसने उसने नेचर को चेंज कर दिया या कुछ भी स्ट्रेट आउट हो गया कहते हैं ड्रग के साथ लीच आउट हो जाना मतलब लीच आउट का मतलब ये होता है कई मरतबा अब लीच से क्या आप समझते हैं जोक जोक की तरह चिपक गया तो अब यही चीज़ इसके साथ भी होती है कि पता चला जिस कंटेनर में आपने रखा उसका कलर या कोई भी उसका ऐसा मटेरियल है से बनी हुई है जो ड्रग के साथ में चली आई जब पेशेंट ने उसको लिया तो पता चला पेशेंट को कैसा टॉक्सिक इफेक्ट दे दिया उसने टॉक्सिंस के इफेक्ट के तौर पर उसने पता चला पॉइजनस नेचर उसने दे दिया तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए इट शुड बी एट्रेक्टिव इन साइज एंड शेप उसका साइज और शेप ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट देख के अच्छा लगे पेशेंट को ऐसी शेप ना हो बिल्कुल बोरिंग टाइप की भी शेप ना हो मेडिसिन भरी है तो ठीक है थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए तो साइज और शेप उसका अच्छा होना चाहिए अट्रैक्टिव होना चाहिए ठीक है उम्मीद करते हैं जो क्वालिटी बताई मैंने ये समझ में आ गई हूँ कंटेनर की